नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पर आज चौथे दिन के खेल में काफी कुछ हुआ। बता दें आपको कि पहली पारी में भारत 250 पर सिमटा था, जहां पर चेतेश्वर पुजारा का एक बेहतरीन शतक, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 250 रन बनाने में सफल रही थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 235 रनों पर ढेर हुई। हालांकि ट्रेविस हेड ने उनकी तरफ से एक अच्छी पारी खेली। तीसरी पारी में उम्मीद थी कि हमारे बल्लेबाज कुछ बेहतर करेंगे, हालांकि शुरुआत अच्छी मिली, 64 पर 0 थी भारत, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विकेटों का एक बार फिर गिरने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन एक बार फिर पुजारा और रहाणे ने भारत की पारी को संभाला। 71 रन पुजारा ने बनाए और अजिंक्य रहाणे ने 70 रन, जिसकी बदौलत भारत तीसरी पारी में 307 रन बनाने में सफल हुआ। और अब चौथी पारी, जब ऑस्ट्रेलिया ई टीम जब अपनी दूसरी पारी मतलब आई है बल्लेबाजी करने, यहां पर चौथे दिन के खेल खत्म होने तक करीब 49 ओवर का खेल हुआ ऑस्ट्रेलिया की पारी के हिसाब से, और 104 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम बना चुकी है और 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। पांचवें दिन क्या भारत की जीत होगी, क्या ऑस्ट्रेलिया की जीत होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 104 पर 4 ऑस्ट्रेलिया, सोचा नहीं था ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, ऐसा लगा कि वो आज विकेटें देना नहीं चाह रहे, थोड़ा डिफेंसिव होकर खेल रहे थे। उम्मीद लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई बचा सकता है। बिल्कुल अभिलाष, क्योंकि चौथे दिन खेलना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि भारतीय बैटिंग को आप देख रहे, उसमें लग रहा था कि 400 के आसपास जरूर जाएंगे लोग, लेकिन जिस तरह से विकेट दिए हैं, मैं फिर कहूँगा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट कई जगह ऐसे नजर आया कि वो विकेट थ्रो करके चले गए। और ये वनडे नहीं है जी, हालांकि मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन पहले इंडियन बैटिंग में बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मौका है, आप विदेशों में मैच खेल रहे हो और एक सेट बैट्समैन हो आप, हर गेंद पे छक्का लगाने आप जाओगे। मैं पंत की बात करना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था कि वो T20 मैच खेल रहा है, और ये क्या दर्शाता है कि आप इतना अटैकिंग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो भाई? आपके पास पूरा अच्छा टाइम पड़ा हुआ है, एक अच्छा आपके पास सामने बैट्समैन खड़ा हुआ है, रहाणे खड़ा हुआ है, तो ये क्या दिखाना चाहते हो आप? तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या कल की जब हम बात करेंगे या आज के सत्र में जो 4 विकेट लिए वो कैसा रहा, मुझे लग रहा है कि हमारी गेंदबाजी बहुत मजबूत है। अश्विन ने जिस तरह से शुरुआत की है, 2 विकेट निकाले हैं, शमी ने जिस तरह 2 विकेट निकाले हैं, ये दर्शा रहा है कि आने वाला जो कल का दिन है वो इंडियन टीम के नाम होने वाला है। और एक बार फिर इंडियन टीम यहाँ पर जीत का जो हम कह रहे थे कि विदेशों में नहीं जीतते हैं, उसका जरूर जो मिथक तोड़ेगी और यहाँ पर एक बहुत शानदार जीत दर्ज करने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस के पास 4 विकेट बड़े बड़े बैट्समैन निकल गए हैं, ऐसे में जो 6 बल्लेबाज बचे हैं उनको आउट करना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत का काम नहीं होना चाहिए, जबकि आपके पास एक से एक शानदार गेंदबाज हैं, आपके पास बुमराह भी हैं, आपके पास शमी तो ऑलरेडी अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, शांत शर्मा है, तो ये एक अच्छी गेंदबाजी है, यहाँ से आप आगे लेके जा सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा इसमें 50-60 रन और जुड़ सकते थे। बिल्कुल 50-60 रन जुड़ सकते थे, जैसा सर ने भी कहा, क्योंकि 307 का स्कोर जो है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। एक समय भारत का स्कोर जो था वो 248 पर 4 था, जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए, रोहित शर्मा एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। एक चीज और सर, जैसा अटैकिंग की बात की आपने, यहाँ पर भारतीय टीम ने आज अपने विकेट जो है दिए हैं, नाथन लियोन 6 विकेट डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जो इनको जहमत क्यों उठानी पड़ी, ये बात थोड़ी समझ से बाहर है। आपको अपने कप्तान से सीखना चाहिए, विराट कोहली इतनी स्लो पारी कल खेल के गए हैं, चेतेश्वर पुजारा ने दिखाया दोनों पारियों में कि भाई आपको टिक कर खेलना पड़ेगा इस पिच पे, तबीर क्योंकि ड्रॉप इन पिच है सर। यहाँ पर क्या लगता है कि अब भारत को अपने बल्लेबाजी में भी बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बेशक अभिलाष भाई, क्योंकि ये ODI मैच नहीं है, T20 नहीं है, यहाँ पर आते दिन आपको शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़े, यहाँ पर आइए विकेट को समझिए, उसके बाद आप रन निकालिए। आप लग रहा है जैसे पंच की बात कर रहा था, पंच को देखकर आपको लगेगा कि वो T20 खेलने आए, ये टेस्ट फॉर्मेट नहीं है, ये टेस्ट फॉर्मेट हो भी नहीं सकता। आप पुजारा सीखिए, आप रहाणे सीखिए, आपके सीनियर बैट्समैन आपके साथ में मौजूद है, और रहाणे तो मेरे ख्याल से उस समय 50-60 रन पे थे, और एक अच्छी खासी गेंद खेलने के बाद, तो आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप छक्के चौके लगा के, वही हुआ कि आपने एक छक्का एक चौका मार दिया, उसका आप कैच लेकर चले गए, तो यानी कि जो एक स्कोर अच्छा बना सकते थे, अच्छा मौका था आपके पास, अच्छी पिच थी और गेंदबाजी, सही बोला आपने, बहुत ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अद्भुत गेंदबाजी हुई वहां पर आप विकेट देकर जा रहे हो। रोहित शर्मा का आपने सही कहा, रोहित शर्मा एक अच्छा बैट्समैन है, ODI में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल टॉप का बल्लेबाज, अगर यहाँ पर इससे गलती करके आउट होते हैं तो ये जो मौके मिलने की बात करते हैं हम लोग, ये शायद मौके आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हनुमा बिहारी बहुत शानदार बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है, अगर आप इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में जरूर उनको मौका दिया जाएगा, तो ये जो मौके इनको बनाना चाहिए। रोहित शर्मा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर इस तरह से मौके गवाएंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले मैचेस के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको मौका देना।
कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हो जाएगा क्योंकि भारतीय टीम में कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऑस्ट्रेलियाई टीम, हम इस दौरे से पहले लगातार ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल घुटनों पर है और भारतीय टीम की जिम्मेदारी है ऑस्ट्रेलिया को जमीन पर लाने की, क्योंकि जो गलतियां साउथ अफ्रीका में हुई या जो गलतियां इंग्लैंड में हुई वहां से बल्लेबाज कुछ सीखेंगे, हमने ये जो है प्रेडिक्ट किया था, हम उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन सिवाय चेतेश्वर पुजारा के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज ने कुछ सीखा है। ऋषभ पंत ने 100 जरूर किया था वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ, वो कंडीशंस थोड़ी सी अलग थी, 90 की पारियां खेली यहां पर आपके भारत के खिलाफ, भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऋषभ पंत भी अपने रोल को समझे। यहां पर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो इस मैच में भारत 4 गेंदबाजों के साथ उतरा है सर, शमी, बुमराह और ईशान तीनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, पहली पारी में मिलकर इन्होंने विकेटें ली हैं, कोई भी रनआउट नहीं था। क्या दूसरी पारी में अश्विन का रोल अब अहम होने वाला है क्योंकि 2 विकेटें निकाल चुके हैं? बिल्कुल, अश्विन हमेशा से मजबूत कड़ी रहे हैं जी, अगर बात करें गेंदबाजी की, स्पिन में तो खासकर उनका वर्चस्व रहा है और एक लंबा दौर उन्होंने देखा है क्रिकेट का, तो मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी तो अधिक हो ही जाती है। लेकिन साथ में बुमराह के लिए मैं कहना चाहूंगा, नया गेंदबाज जो फ्रेश लड़का है, नया टीम में है और एक उम्मीद होती है कि बुमराह जरूर हमारे टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी कला को निखारेगा, क्योंकि यॉर्कर बड़ी अच्छी फेंकते हैं वो और उनकी स्पीड बड़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि बुमराह जरूर अच्छा करेंगे। ईशांत शर्मा का अनुभव है जी, लंबे समय से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो ऐसे में उसी आधार पर उनको लेके भी जाया गया है और काफी हद तक साबित भी कर रहे हैं, गेंदबाजी बहुत नबितुरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्पेल फेंक रहे हैं। और शमी की आप बात करें, शमी के बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस गेंदबाज में कोई तो बात है जो हम तमाम दिक्कत परेशानी के बावजूद वापसी करता है और ऑस्ट्रेलिया जैसी विपरीत कंडीशन में भी विकेट आपको निकाल कर देता है, तो यानी कि आपके पास टीम के पास जो गेंदबाजी कॉम्बिनेशन है बड़ा जबरदस्त शानदार है। ऐसे में लेकिन मैं फिर कहूँगा अश्विन की जिम्मेदारी ज्यादा यहाँ पर हो जाती है, अगर सुबह आकर एक विकेट वो निकाल देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कमर टूट जाएगी और मैच जीतना बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, मैच जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाने है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब ये एक आखिरी जोड़ी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल आखिरी जोड़ी बची हुई है यहाँ पर, पीटर हैंड्सकॉम्ब के विकेट के बाद फिलहाल जो है शॉन मार्श क्रीज पर है, जो मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, और ट्रेविस हेड, यहाँ पर अगर इन दोनों के विकेटें गिरनी हैं तो टिम पेन जो कप्तान है इनके, हालांकि मैच को बचा तो नहीं सकते लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि यहाँ से जो है भारत के खिलाफ जीत हम दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि रन ज़्यादा नहीं है, 219 रन है, लेकिन 5वें दिन बल्लेबाजी करना जो है उतना आसान नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगर बात की जाए सर, जिस हिसाब से रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे कि उस्मान ख्वाजा विराट से ज़्यादा रन बनाएंगे और भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा परेशानी में डाला नहीं है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भी और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्पेशली, क्योंकि जिस हिसाब से वो आउट हुए हैं आज भी जो विकेट थी वो थ्रो करके जा रहे थे, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा सा अलग नजर आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, उस्मान ख्वाजा की आप बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल हैरान हूँ क्योंकि जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हैं वो बड़ा अलग तरह का उनका हुआ है। मुझे लग रहा है अतिरिक्त प्रेशर की बात आ रही है, रिकी पॉन्टिंग ने उनको बोला कि ख्वाजा हमारे तब रन करेंगे, तो ये एक अतिरिक्त प्रेशर भी हो जाता है कि आप क्या सिर्फ एक बल्लेबाज पर डिपेंड हो, तो ऐसे में जब आदमी अतिरिक्त प्रेशर खुद पर लेता तो जल्दी विकेट आउट होकर चला भी जाता है और दोनों पारी में देखने को मिला। और आपने विराट कोहली का जिक्र किया, विराट कोहली भी अमूमन कमोबेश वैसे ही आउट हो रहे हैं, बिल्कुल कि वो भी एक इंडियन टीम के बड़ा नाम है, अगर उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, पुजारा के दोनों पारी में आप देखेंगे कि वो टॉप स्कोर रहे हैं, तो यानी अब आपको भी समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट है, मुझे एडजस्ट कैसे करना है, गेंदबाजों को कैसे डील करना है, क्योंकि विराट कोहली एक अलग दर्जे के बैट्समैन है, अगर वो क्रीज पर खड़े रहते हैं दूसरे बल्लेबाजों को मोटिवेशन मिलती है, तो यानी कि अब विराट कोहली को भी अपनी अपनी जो उनकी किरदार है भूमिका उसको समझना पड़ेगा और एक बेहतर इनिंग खेल सकते हैं, यही वो मैदान था जहां पर उन्होंने लास्ट टाइम शतक किया था और यहां पर इस तरह से आउट होकर जा रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल आने वाले टाइम में परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि इसके बाद जो मैचेस हैं वो बहुत तेज विकेटों पे हैं और अलग तरह की आपको क्रिकेट वहां पर खेलनी पड़ेगी, तो अगर इस समय आप फॉर्म में नहीं तो बड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। बिल्कुल, स्ट्रगल करना शायद भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो है वो पर्थ में है और अगले टेस्ट मैच में शायद पृथ्वी शॉ भी नहीं खेलेंगे, ओपनर्स पर आएंगे हम। लेकिन फिलहाल एक दिक्कत और जो देखने को मिल रही है भारतीय बल्लेबाजों के साथ, अमूमन ये कहा जाता है कि जो हमारे सबकॉन्टिनेंट के जो बल्लेबाज होते हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इंग्लैंड में मोइन अली ने भारत को बड़ा परेशान किया था और यहाँ पर नाथन लियोन 9 विकेटें इस मैच में ले गए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स में फंसते हुए नजर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तो आपने बात उठाई, क्योंकि देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय बल्लेबाज जब इंडिया में खेलते हैं तो स्पिनर्स उनका कुछ नहीं कर सकते, या विदेशों में भी खेलते थे तो स्पिनर्स का मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं इम्पैक्ट बहुत क्रिएट होता हो, लेकिन अब जिस तरह दो सीरीज इंग्लैंड में और अब ऑस्ट्रेलिया में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा मेहनत की है, और यही हो रहा है कि यहाँ पर नाथन लियोन जैसे गेंदबाज बहुत अच्छे विकेट निकाल रहे हैं और परेशानी में डाल रहे हैं बल्लेबाजों को। लेकिन एक चीज में अभिलाष और भी है कि आप
जिस तरह से विकेट देकर जा रहे हो वो भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करता है। रोहित शर्मा जिस आउट हो रहे हैं और जिस तरह से ऋषभ पंत जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इवन की रहाणे रहाणे को जिस तरह से आपने रिवर्स स्वीप मारते हुए देखा होगा, वो पहले ही भागते हुए जाने नहीं जाते और ऐसे शॉट पे गए और फील्डर पहले से भागते वहां जा रहा है, कैच कर लेता है, यानी कि आपको पता है कि कहां वीक पॉइंट है, कौन सा शॉट खेलने वाले हैं। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को जरूर ये सोचना पड़ेगा कि कहां पे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी देश में खेलने गए हैं तो वो लोग आपको पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, और उसी का नतीजा है कि आप गलत शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, गलत शॉट खेलकर लगातार भारतीय बल्लेबाज जो है आउट होते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने जो लाज बचाई है वो उस वजह से शायद आज भारत कमांडिंग पोजीशन पर है। सर आखिरी सवाल लेते हैं, क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल पहला टेस्ट मैच जीत रही है या फिर अभी भी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 219 रन दिख रहे होंगे बोर्ड पर उनको? मुझे लगता है जिस तरह से इंडियन टीम ने शुरुआत की, 4 विकेट निकाले, तो यहाँ से तो इंडिया लगातार मैं कह सकता हूँ कि पकड़ बनाए हुए है। लेकिन हाँ, आपने मार्श और हेड का जिक्र किया, जिस तरह से टिके हुए हैं वो एक परेशानी का सबब जरूर है। अब सुबह में अगर किस तरह से जल्दी विकेट निकलता है, किस तरह से होता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इंडियन टीम शुरुआत में 10-15 ओवर के अंदर में अगर 2-3 विकेट निकाल देता है तो मैच तो इंडिया की पकड़ में है ही है, और मुझे लगता है कि इंडियन टीम को जीतने के लिए कोई परेशानी अब मेरे ख्याल से यहाँ से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर परेशानी नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो आना है, 219 रन चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई तो भारतीय टीम शायद ये मैच जीत जाएगी। तो ये था आज पूरे चौथे दिन के खेल का ब्यौरा, कल एक बार फिर मुलाकात होगी। 5वें दिन क्या भारत की जीत होती है, क्या ऑस्ट्रेलिया जीतता है, या ऑस्ट्रेलिया की हार को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।